हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मार्शल आर्ट इन्फो। आज का वीडियो का टॉपिक है किक्स के ऊपर, मार्शल आर्ट के लेग टेक्निक किक्स के ऊपर आज का वीडियो का टॉपिक। वीडियो से जाने से पहले मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए ताकि आगे मैं आप लोगों के लिए और वीडियो बना सकूँ। तो चलिए, वेरियस टाइप ऑफ किक्स होते हैं, तो आज मैं एक किक के ऊपर फोकस करूँगा, एक किक आपको दिखाऊँगा जिसको कराटे में बोलते हैं मवासीगिरी। कराटे में इसको कहते हैं मवासीगिरी, और अगर ताइक्वांडो में जाएंगे ताइक्वांडो में इसको बोलते हैं दोली ओचागी, एंड अगर आप इसको इंग्लिश में जाएंगे तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं राउंड हाउस किक। तो ये कैसे किया जाता है ये आपको दिखाते हैं ट्यूटोरियल। तो फर्स्ट आपका पोजिशन, पैर का पोजिशन ये रहेगा, तो मवासीगिरी और राउंड हाउस और दोलियो चागी करने के लिए फास्ट आपका पोजीशन रहेगा पैर का ही अप दिस पोजीशन, एंड यहाँ से मूव करना होगा। नीचे का जो पैर है जिसके ऊपर बेस करके आप किक कर रहे हो, इसको आपको 180 डिग्री मूव करना है, तब जाके ये किक सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या है, जिस पैर के ऊपर बेस करके किक करेंगे ये पैर, इसको आपको 180 डिग्री टर्न कराना है ही है। अगर इसको टर्न नहीं कर सकेंगे तो ये किक नहीं होगा। तो फर्स्ट आप नी आप टर्न एंड किक, ये है स्लो मोशन। अगर इसको फास्ट करेंगे तो ये ऐसे दिखेगा। इसको अगर आप कराटे में यूज कर रहे हो तो इसको टच एंड बैक करना है, इसके पुल बैक करना है, और अगर फुल कॉन्टेक्ट फाइट में यूज करते हो इसको तो पूरा इसको घुमाना है, इसको घुमा के इसको वापस आना है। तो मेनली ये किक कहाँ पे यूज होता है, इसको कहाँ पे कांटेक्ट करते हैं, तो आप अगर इसको कांटेक्ट मतलब फाइट में इसको यूज करेंगे तो ये कांटेक्ट एरिया होगा, साइड ऑफ द फेस, फ्रंट ऑफ द फेस, फ्रंट ऑफ द टॉर्सो, साइड ऑफ द टॉर्सो, ये आपका कनेक्ट एरिया रहेगा। और पैर का जो कौन सा पोर्शन है, कौन सा पोर्शन से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, कौन सा पोर्शन से इसको हिट कर सकते हो, तो ये रहेगा दिस पोर्शन, ये पोर्शन फास्ट। अगर टच एंड बैक फाइट कर रहे हो आपको तो इस पोर्शन से हिट करना है, अगर फुल कॉन्टेक्ट फाइट कर रहे हो तो इसके ऊपर जो शीन पोर्शन है शीन से आप हिट कर सकते हो, तब जाके आपका जो हिट है वो परफेक्ट होगा और इसमें आपको पावर भी मिलेगा। तो ये सबसे महत्वपूर्ण और गुरुत्वपूर्ण किक है मार्शल आर्ट के, इसको लगातार प्रैक्टिस करते रहिए और फाइट में इसको यूज कीजिए। और आज का वीडियो इतने ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।